कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल कॉल मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इनका जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका था 7 महीने पहले ही, और 7 महीने के बाद में रिश्ता पूरी तरह से पार्टनर ने खत्म कर दिया था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से चीज़ें पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी, तो इनकी पार्टनर ने मना कर दिया था रिश्ता रखने के लिए। और इन्होंने 7 महीने के बाद में कॉल मैनिफेस्ट किया है। इनको जो सक्सेस मिली है वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में मिली है। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम मेंशन किया नहीं है इसलिए मैं इनका नाम नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं अभी भी शॉक्ड में हूँ कि ये कैसे हुआ है। मैं सचमुच में बहुत शॉक्ड हूँ कि इसने इतनी जल्दी और इतना इजी वे में काम कर दिया, जबकि मेरा रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। मेरी पार्टनर ने मेरे साथ रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया था और कह दिया था कि अब हम दोनों ज़िंदगी में कभी भी बात नहीं करेंगे, और उसने ही मुझे हर तरफ से हटा दिया था, कहीं से डिलीट तो कहीं से ब्लॉक कर दिया था। शुरू में तो मैं बहुत छटपटाया, बहुत रोया, बहुत तड़पा, और उसको मैंने काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे बीच कुछ चीज़ें ही इतनी ख़राब हो चुकी थीं कि उसने रिश्ता सही तरीके से तोड़ देना ही सही समझा। मुझे ये समझने में बहुत टाइम लग गया कि वो रिश्ता तोड़ रही है तो शायद सही ही कर रही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को एक जगह पर अब समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी नेगेटिविटी, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतनी फैमिली के इश्यूज, इतनी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठे हो गई हैं कि अब शायद मेरी पार्टनर को ऐसा लगता है कि रिश्ता तोड़ देना सही है। शुरू में तो तकलीफ़ हो रही थी, और आपका जो वीडियो है वो भी मुझे अपने ब्रेकअप के 7 महीने के बाद ही दिखा है। 7 मंथ्स के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर ही कॉल भी मैनिफेस्ट कर लिया। जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, पार्टनर ने मना कर दिया था कि ज़िंदगी में कभी बात नहीं करेंगे, उसी ने मुझे 15 दिन बाद कॉल किया। मैंने आपका कॉल मैनिफेस्टेशन का वीडियो देखा था और मैंने सोचा कि कॉल मैनिफेस्ट करके देखते हैं क्या ये चीज़ सच में काम करती है। फिर आपके विश्वास वाले भी वीडियो देखे तो मुझे लगा चलो विश्वास करके करते हैं और उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। मैंने सिर्फ एक बार ही कॉल मैनिफेस्ट किया और मैंने उसे कम्प्लीटली छोड़ दिया। 7 महीने से वैसे भी बात नहीं हो रही थी तो मेरे लिए उस चीज़ को छोड़ देना ईजी था। मैंने बस कॉल मैनिफेस्ट किया और मैं भूल गया, मैं सचमुच में भूल गया। मैं आज याद करता हूँ तो मुझे लगता है ऐसे कैसे हो गया। मैं 15 दिन तक इस चीज़ को माइंड में भी नहीं लेके आया, और अपने आप ही ये चीज़ मेरे माइंड में से कैसे निकल गई। किसी चीज़ को अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो याद तो रखूँगा ना, लेकिन नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने सिर्फ एक बार ही मैनिफेस्ट किया, उस वक्त ही उसकी बहुत याद आई और उसके बाद में मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने सोचा कि ठीक है, अब मुझे अपने काम पर लगना है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने तो लेट गो करने का सोचा भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। लेट गो के वीडियो तो छोड़ देने के बाद मैनिफेस्ट करने के बाद में मेरे सामने आए हैं, और 15 दिन के बाद में मैं क्या देखता हूं कि मेरी गर्लफ्रेंड एक अननोन नंबर से मुझे कॉल करती है और बोलती है कि वो मुझसे बात करना चाहती है। और वो बोलती है कि ठीक है, अच्छा हुआ एक दूसरे को इतना समय दिया, इतना स्पेस दिया, और इतने स्पेस के बाद ही समझ में आया कि मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, और मुझे तुम्हारी राय जाननी है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन करके पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, मुझे इतना बताओ। और ये सारी बातें उसने कॉल शुरू करते ही बोल दी थी। वो रोई नहीं, परेशान नहीं हुई, बहुत स्ट्रांग लड़की है मेरी गर्लफ्रेंड, लेकिन मैं फ्रेंडशिप में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने सीधा अपने रिलेशनशिप के प्रपोज़ल को ही एक्सेप्ट कर लिया, और आज हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। अरे इतनी जल्दी कॉल भी मैनिफेस्ट हो गया, जबकि मैंने सच में सिर्फ एक कैजुअल बात करने के लिए कॉल मैनिफेस्ट किया था, और देखने के लिए भी। अब मेरा विश्वास इस पर इतना पक्का हो चुका है कि मुझे पता है कि मैं कितना खुश हूँ और शॉक्ड भी हूँ। मैं सच में शॉक्ड हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। इट वर्क्स, सीरियसली इट वर्क्स, थैंक यू। यस इट वर्क्स, सीरियसली इट वर्क्स, ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इट वर्क्स लाइक मैजिक। छोड़ देना बड़ी बात है, मतलब आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपके माइंड में ही ना आए। तो इनका जो लेट गो हुआ है बड़ा नेचुरली हुआ है, यहाँ से इन्होंने मैनिफेस्ट किया,
अब उसके बारे में दूसरे तीसरे चौथे दिन थॉट्स नहीं घुमाए, आया नहीं आया, कॉल नहीं आया, अरे हमने तो मैनिफेस्ट किया था, अरे हमारा तो कॉल नहीं आया, उस केस में कॉल नहीं आते हैं, आप करते हैं और भूल जाते हैं, आपको याद भी नहीं रहता है। एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के टाइम पे आपको याद ही नहीं रहता है कि ये तो वही चीज़ है, बाद में जब वो चीज़ मिल जाती है ना तो याद आता है, अभी कुछ दिन पहले तो मैंने इसके बारे में सोचा था, कुछ दिन पहले तो मैंने मैनिफेस्ट किया था, कुछ दिन पहले तो कॉल मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो लेट गो प्रोसेस बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम करता है, भले आप फिर सिंगल टाइम करके ही उसे क्यों ना छोड़ दें। छोड़ देना मतलब ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, और वो प्रोसेस आपके हाथ में वो चीज़ ला करके दे देता है, क्योंकि आप सिंगल एक मैसेज छोड़ते हैं और वो सीधा सिंगल रिप्लाई के तौर पे आपके सामने आ जाता है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।